जरा इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे लेकिन ये भी हो जाएगा, उड़ा देंगे यार मुर्शद, हम सब क्वेश्चन को उड़ा देंगे, समझो चीज़ों को, आप भी सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब कौन सा है, इसका मतलब बाहर से लगने वाले फोर्स से मतलब है। इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ज़ीरो, बाहर से लगने वाला कोई फोर्स नहीं है। इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कोई भी फोर्स बॉडी पर नहीं लग रही है। जब बॉडी पर फोर्स नहीं लग रही तो मूव विद अ डिक्रीजिंग स्पीड, अगर बॉडी पर कोई फोर्स ना लगे तो क्या इसकी स्पीड घटना शुरू कर देगी? हमें कैसे पता है कि इसकी स्पीड घटेगी? डिक्रीजिंग स्पीड होगी, क्या पता भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्स नहीं लग रही लेकिन ऑब्जेक्ट ढाल पर ऊपर को चढ़ रहा है तो ठीक है, स्पीड घट रही है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से आपने छोड़ रखा है, नीचे की तरफ को आ रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो उसकी स्पीड तो बढ़ेगी। अब ऐसे में दिमाग लगाएंगे कुछ बच्चे, सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है, ये लगाएंगे। चलो मैं कहता हूँ कि स्पेस में पहुँच जाओ आप, कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ जा रहा है, स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई भी दूर दूर तक प्लैनेट नहीं है, स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई आपने, ठीक है, कोई फोर्स उस पर नहीं लगाई, पहले से ही किसी न किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ गया, अब आपने कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाई, तो जब वो जा रहा होगा तो मुझे बताओ उसकी स्पीड घटेगी? अब आप कहोगे वहाँ तो एयर ही नहीं है तो इसकी स्पीड घटने का कोई मतलब नहीं। मैं पूछूंगा क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो आप कहोगे नहीं सर उसकी स्पीड बढ़ेगी भी नहीं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में जा रहा है, उसकी स्पीड, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो भाई उसका कोई भी स्पीड ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए आपके, ठीक है। चौथा ऑप्शन होगा मूव विद इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो क्या उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा? अगर एक्सीलरेशन आता है ना तो स्पीड बढ़ती है, जब स्पीड बढ़ ही नहीं रही क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा तो कोई स्पीड ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, जब स्पीड ना घट रही ना बढ़ रही तो एक्सीलरेशन किस बात का, ना तो एक्सीलरेशन होगा और ना ही रिटार्डेशन होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा कि या तो बॉडी रुकी हुई है, लेकिन अगर वो पहले से ही चलती हुई आ रही है तो वो चलती हुई चली जाएगी एक स्ट्रेट लाइन में, बात को समझें आप। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। डिटेल पूरी देने की कोशिश की, बाकी आपके ग्रैबिंग और कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है।